बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम दूसरा स्प्रे कर रहे हैं भिंडी पे। वो जो पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि थ्रिप्स का अटैक हुआ है, तो हमने जैसे ही 2 दिन पहले स्प्रे किया था उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था। बहुत ज़्यादा कम हो गए थे, थोड़े से थे, तो उस वजह से मैंने कहा कि 1 दिन या 2 दिन छोड़ के हमें दूसरा स्प्रे करना लाजमी होगा। तो आज हम वो दूसरा स्प्रे कर रहे हैं। इंशाल्लाह रिज़ल्ट इसका बहुत अच्छा मिला है। मैंने उसी दिन शाम को ही चेक किया था, बहुत मतलब अच्छा था वो। मैं शाम को आपको फिर एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा और दिखाऊंगा कि उसमें अभी बिल्कुल मतलब थ्रिप्स ख़त्म हो चुका है और इतना नहीं है। कहीं कहीं होगा तो होगा, लेकिन इंशाल्लाह आज जो हम स्प्रे कर रहे हैं इसमें वो भी नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ। वो भाई स्प्रे कर रहा है, आप देख रहे होंगे, ये इसमें सेकेंड स्प्रे है पानी देने के बाद। अभी मैं जाता हूँ जो हमने कल स्प्रे किया था सेकंड स्प्रे भिंडी में, तो आपको उसकी रिज़ल्ट दिखाता हूँ। तो कल हमने जो सेकंड स्प्रे किया था उसके बाद आपको मैं रिज़ल्ट दिखाता हूँ। देखें बहुत ही कम है, मतलब नहीं होने के बराबर। अभी बत्तर आए फिर इसका घास निकलवाएंगे। क्लियर है। अभी स्प्रे का तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है और हमें छोड़ना नहीं है। कल या परसों या फिर 3 दिन के बाद दोबारा हमें स्प्रे ये करना होगा। देखिए ये कहीं कहीं साइडों में अभी भी है, ये देखें इस तरफ देखें, ये इनकी वजह से है। ये घास जो है ना, इधर थोड़ा कचरा है, और ये माजली जो हमने लगाई भी है शायद इसकी वजह से भी आ रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, और लेकिन ये करना हमें पड़ेगा क्योंकि भिंडी की फसल ऐसी होती है इसमें स्प्रे तो छोड़ना ही नहीं होता। तो दोस्तों बस आज की वीडियो यहीं तक थी। जो स्प्रे किया था वो भी रिज़ल्ट मैंने आपको दिखा दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह भिंडी की भी अच्छी ग्रोइंग हो रही है। तो आज की वीडियो यहीं पर करते हैं ख़त्म। मिलेंगे नेक्स्ट और फ्रेश ब्लॉग के साथ। तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।